मेरे चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम बनाएंगे चावल के आटे से बहुत टेस्टी नाश्ता। ये झटपट बनकर तैयार हो जाता है और खाने में बहुत टेस्टी होता है, तो चलिए इसे बना लेते हैं। तो हमने एक कटोरी चावल का आटा लिया है, मैंने इसे छान करके रख लिया है, तो इसे हम एक बाउल में निकाल लेते हैं। और इसके लिए चाहिए हमें गर्म पानी, तो हमने पानी को गर्म कर लिया है और इसे एक कटोरी में निकाल लेंगे। तो आटे के अंदर पहले हम कुछ चीज़ें डाल लेते हैं। तो हमने लिया है इनो पाउडर, तो हमने आधा चम्मच इनो पाउडर लिया है। आप चाहें तो मीठा सोडा ले सकते हैं, बेकिंग पाउडर भी ले सकते हैं, कोई भी चीज़ जो आपके पास हो। इससे नाश्ता हमारा सॉफ्ट बनेगा। और डालेंगे थोड़ा सा नमक, एक चौथाई चम्मच नमक डाल देंगे इसके अंदर। और ये हमारा गर्म पानी है, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, एक साथ नहीं डालेंगे। और पहले इसे चम्मच से मिलाएंगे क्योंकि काफ़ी गर्म है पानी, तो थोड़ा थोड़ा करके पानी डालते जाना है और इसे मिक्स करना है। तो आटे के अंदर हम एक चम्मच तेल भी डाल देंगे और इसे मिला लेंगे। अच्छे से मसलते हुए इसे मिक्स करेंगे, अगर पानी कम पड़ेगा तो ही डालेंगे। तो थोड़ा सा पानी और बचा है, इसे भी डाल देंगे। तो टोटल मैंने एक कटोरी चावल का आटा लिया था, तो एक कटोरी पानी मैंने इसमें डाल दिया है। अच्छे से मैंने इसे मिक्स कर दिया है। इसे 5 मिनट के लिए ढककर के रख देते हैं। 5 मिनट हो चुके हैं, हम ढक्कन को हटाते हैं और आटे को चेक कर लेते हैं। इसे हाथ से अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे, तो आप देख सकते हैं आटा हमारा सॉफ्ट हो गया है। ये बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं चाहिए और बहुत ज़्यादा गीला भी नहीं होना चाहिए। बस इस तरीके से हमें आटे को गूंथ लेना है, अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो आटे को मैंने अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है, तो हम क्या करेंगे, इसमें से थोड़ा थोड़ा पोर्शन उठाएंगे, इसे गोल करेंगे और इसमें हल्का सा होल करेंगे इस तरीके से, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं, हल्का सा नीचे से जॉइंट होना चाहिए। बस इस तरीके से बनाते हुए हम प्लेट में रखते जाएंगे। ये नाश्ता खाने में बहुत टेस्टी लगता है। आप इसे चावल का फरा भी कह सकते हैं, टिक्की भी कह सकते हैं। देखिए इस तरीके से बना बना करके हमें रख लेना है। तो नाश्ता हमारा बनकर तैयार हो चुका है, चलिए इसे स्टीम कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने गैस पर कढ़ाई रख दी है और मैंने कढ़ाई के अंदर 2 गिलास पानी डाल दिया है और मैंने ऊपर एक छन्नी रख दिया है, इस तरीके से जाली वाली छन्नी हमें रखना है। थोड़ा सा घी या ऑयल लगा देंगे, मेरी जाली में से लगा देंगे जिससे चिपके ना। और पानी हमारा गर्म हो चुका है, आज जो हमें मीडियम रखना है, तो एक एक करके इसके अंदर हम चावल के आटे की जो हमने ये टिक्की बनाई है इसे रखते जाएंगे। इस तरीके से पूरी जाली में इसे हम रखते जाएंगे। तो मैंने सारे चावल की जो मैंने छोटी छोटी टिक्की बनाई है, फरे बनाए हैं, इसे मैंने जाली में सेट कर दिया है। तो मैंने एक लाइन नीचे से डाल दी है, जो आपके पास बचता है उसे आप ऊपर भी रख सकते हैं, चिपकेगा नहीं, बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा क्योंकि आटा हमारा ज़्यादा गीला नहीं है। और अब हम ऊपर से ढक देंगे इसे, इसमें अच्छी सी स्टीम आने लगी है। इसे 10 से 15 मिनट के लिए हम मीडियम आंच पर स्टीम कर लेंगे। तो इधर नाश्ता हमारा स्टीम हो रहा है, तो चलिए इसके लिए कुछ चटपटा मसाला बना लेते हैं। तो हमने एक दूसरी गैस पर एक कढ़ाई रख दी है, जिसके अंदर हम डालेंगे तेल, कोई भी कुकिंग ऑयल ले सकते हैं, 2 बड़े चम्मच तेल इसके अंदर हम डाल देंगे। तेल को अच्छी तरीके से पहले हम गर्म कर लेंगे, आज को हमने धीमा रखा है। और अब हम डालेंगे इसके अंदर 1/2 चम्मच खड़ा जीरा, इसे हल्का सा ब्राउन करेंगे। और इसके साथ ही इसमें डालेंगे 2 हरी मिर्च, 1 टुकड़ा अदरक का मैंने छोटे टुकड़े में काट लिया है, इसे डाल देंगे, इसे हल्का सा भूनेंगे। इसके साथ ही इसमें डाल देंगे 1/2 चम्मच सफ़ेद तिल, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसमें, इसे हल्का सा ब्राउन करेंगे। 10 से 12 करी पत्ता डाल देंगे। तड़का हमारा ब्राउन हो गया है, मिर्ची को हम बहुत ज़्यादा नहीं जलाएंगे, थोड़ी सी हरी ही अच्छी लगती है। तो मैंने एक गाजर को छोटे टुकड़ों में काटा है और आधी शिमला मिर्च को और आधी प्याज को मैंने छोटे टुकड़ों में काट लिया है, इसे डालेंगे। अगर आपको टमाटर डालना है तो टमाटर भी डाल सकते हैं, लेकिन हम टमाटर की प्यूरी डालेंगे इसलिए मैंने टमाटर नहीं लिया है। इसे मिला देंगे, 1 मिनट तक इसे फ्राई करेंगे, आंच को मीडियम रखेंगे, धीमी आंच पर हमें इसे नहीं पकाना है। ये थोड़ा सा टाइट रहता है, कुरकुरा रहता है, क्रंची रहता है, तो ही खाने में अच्छा लगता है। तो सब्जियां हमारी आधी पक चुकी हैं, आप अपनी पसंद की और भी इसके अंदर सब्जियां डाल सकते हैं, तो बस और ज़्यादा इसे हमें नहीं पकाना है। तो इधर हम चेक कर लेते हैं ये हमारा नाश्ता स्टीम हुआ कि नहीं, एक फोक लेंगे और इसके अंदर हम डालेंगे, तो आप देख सकते हैं ये अच्छी तरीके से
इसके अंदर आर पार हो गया है, बिल्कुल भी आटा नहीं चिपका है, तो ये अच्छी तरीके से स्टीम हो गया है। तो हम गैस को बंद कर देंगे। तो ये अभी गर्म है तो हाथ से इसे हम नहीं छुएंगे और एक कलछी के सहायता से इसके अंदर इसे हम निकालेंगे और सब्जियों में डाल देंगे। इसे मिला लेते हैं। तो चलिए इसे हम कुछ चटपटा बना लेते हैं जिसे और स्वादिष्ट हो जाए खाने में। थोड़ा सा नमक डाल देंगे, पहले भी मैंने इसके अंदर नमक डाला था तो एक पिंच नमक इसके अंदर हम डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे। टोमेटो केचप डालेंगे, जितना आपको पसंद हो उस हिसाब से आप डाल लीजिए, एक से दो चम्मच हमने डाल दिया है। चिली सॉस भी डालेंगे, अपनी पसंद से आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। थोड़ा सा नींबू का रस डाल देंगे, करीब एक से दो चम्मच। नींबू डालने से बहुत अच्छा स्वाद आ जाता है, चटपटा हो जाता है। इसे मिला लेंगे और इसके अंदर एक चीज़ हम और डालेंगे जो बच्चों को बहुत पसंद है और बड़ों को भी। तो इसके अंदर हम डालेंगे एक पैकेट मैगी मसाला। हल्दी, धनिया या लाल मिर्च डालने की ज़रूरत नहीं है, इसे मिला लेते हैं। क्योंकि हम नाश्ता बना रहे हैं, बहुत ज़्यादा मसाले वाला नहीं बनाएंगे, टेस्टी और चटपटा बनाएंगे। तो आप देख सकते हैं इसका कलर कितना अच्छा दिखने लगा है। तो इसे एक से दो मिनट के लिए हम ढक कर पकाएंगे। तो चलिए ढक्कन को हटाते हैं, नाश्ते को चेक करते हैं। तो मैंने दो से तीन मिनट तक इसे पका लिया है और ये नाश्ता हमारा अच्छी तरीके से बन चुका है। और नाश्ते के अंदर तेल मसाले अच्छी तरीके से मिक्स हो गए हैं। तो अब हम गैस को बंद कर देंगे और ऊपर से डालेंगे थोड़ी सी कटी हुई हरी धनिया। देखने में कितना अच्छा लग रहा है और खाने में तो मज़ा आ जाती है, बहुत टेस्टी बनकर तैयार होता है। तो चलिए गर्मा गर्म इसे प्लेट में निकालते हैं। तो आपने देखा कितने फटाफट ये बनकर तैयार हो जाता है, खाने में लाजवाब होता है। तो इस नाश्ते को आप गर्मा गर्म इस बरसात के मौसम में बना करके खाइए, मज़ा आ जाएगी। ऊपर से हरी धनिया से गार्निश कर देते हैं। तो हमारे चावल के आटे का स्नैक बनकर तैयार हो गया है। तो आप इसे फटाफट बनाइए, खाइए, इंजॉय करिए और हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपका यह नाश्ता कैसा बना।